हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। आज हम अपना फोर्थ क्लास में मैथ्स का पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं, नंबर्स एंड न्यूमरेशन। हमने फोर डिजिट्स के लेटर ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, फाइव डिजिट्स के लेटर्स भी हमने पढ़ रखे हैं, फिर भी उनका रिवीजन थोड़ा हम करते हैं कि हम स्मॉलेस्ट जो हमारा फोर डिजिट का नंबर होता है वो होता है 1000। 1000 हम हमेशा हमारी राइट हैंड की साइड की तरफ से हम पढ़ते हुए आए हैं। जो पहला होता है उसे हम बोलते हैं वंस, और दूसरे नंबर पे होता है उसको हम बोलते हैं टेंस, तीसरे वाले को हम बोलते हैं जी थाउजेंड, और फोर्थ वाले को हम बोलते हैं सॉरी तीसरे वाले को हम बोलते हैं हंड्रेड, और फोर्थ वाले को हम बोलते हैं थाउजेंड। इसी तरह से जो बिगेस्ट नंबर होता है, बड़ा नंबर, चार डिजिट का नंबर होता है, वो होता है 9999। इंडियन सिस्टम के अंदर जो फर्स्ट कॉमा लगता है वो पहले तीन डिजिट के बाद लगता है। तो ये वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड, पहले तीनों डिजिट्स को हम अलग अलग पढ़ते हैं, उसके बाद में जैसे पीरियड आगे बढ़ता है, बिगेस्ट नंबर को जब हम पढ़ते हैं फोर से फाइव डिजिट में जाएंगे तो हम देखेंगे कि हम दो डिजिट्स को एक साथ पढ़ेंगे जब हमारे पास फाइव डिजिट आ जाते हैं। वो आगे की बातें हैं। कहने का मीन्स, अब इसको पढ़ने के लिए वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड, तो ये क्या बन गया, 9999, 9999। इस तरह से हम नंबर्स को पढ़ते हैं। और भी जैसे हम फोर डिजिट्स के नंबर ले रहे हैं, 3458, जैसे एक नंबर है, एग्जांपल है आपके सामने, तो इसको पढ़ने का तरीका, तीन के बाद हमारा पहला कॉमा आता है इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग। अब ये हमारा वंस है, ये टेंस है, ये हंड्रेड है, और ये थाउजेंड है। तो थाउजेंड तक हम बोल रहे हैं, तो जो थाउजेंड पे है उसको हम थाउजेंड ही बोलेंगे, थ्री पे है 3000, हंड्रेड पे है उसको हंड्रेड, 400, अगर टेंस पे है तो 5 × 10 50, 50, और वंस पे है तो एट, यानी कि 3458। इस प्रकार से हमारा नंबर आता है। तो ये फोर डिजिट्स के नंबर्स को हम रीड करना हमने ऑलरेडी पिछली क्लास में सीखा हुआ है। हम फाइव डिजिट्स पे जाएंगे, जैसे ही फोर डिजिट के नंबर में हम वन ऐड करते हैं, इसमें अगर मैं वन ऐड कर दूं तो ये बन जाएगा 9110, वन कैरी, ये वापस 10, ये वापस वन कैरी, ये वापस, और ये बन गया। अब पहले तीन के बाद, अब देखिए वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड, यहां तक हमने पढ़ा था। अब आगे वाले डिजिट्स को हम क्या बोलेंगे, 10000, यानी कि अब अगर हम और आगे जाएंगे तो यहाँ पे हमारा कॉमा शुरू होगा, यानी कि इंडियन सिस्टम के अंदर पहला कॉमा तीन डिजिट्स के बाद लगता है, फिर दो दो के बाद लगते हैं। तो ये जो पूरा पीरियड है ये थाउजेंड का पीरियड कहलाता है। क्या कहलाता है, ये थाउजेंड का। तो इसमें दोनों डिजिट, अगर तीन कॉमा के बाद में दो डिजिट है, दोनों डिजिट को हम एक साथ ही रीड करेंगे या एक साथ ही पढ़ेंगे। जैसे 10 था तो 10000, ये फाइव डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बनता है। फाइव डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 10000। बड़ा नंबर कोई भी, अगर वन डिजिट का बड़ा, जितने भी नाइन, अगर थ्री डिजिट का हमें बड़ा नंबर, कैपिटल नंबर, सबसे बड़ा नंबर चाहिए तो 39 हम लगा सकते हैं। अगर थ्री डिजिट का सबसे स्मॉल नंबर चाहिए तो वन के साथ टू जीरो ऐड कर दीजिए, 100 जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, और उसमें 999। तो इस प्रकार से हम स्मॉलेस्ट नंबर और बिगेस्ट नंबर फाइंड कर सकते हैं डिजिट के अकॉर्डिंग। अब फाइव डिजिट के नंबर के अंदर हमने, मैंने अभी बताया आपको कि वॉइस सिस्टम चलेगा, ये हमारा वंस है, ये हमारा टेंस है, ये हमारा हंड्रेड है, और ये हमारा थाउजेंड है, और ये हमारा 10000 हो जाएगा। तो अब 10000 तक गए हैं, तो ये पूरा पीरियड, दोनों पीरियड क्या है, थाउजेंड का पीरियड है। इन दोनों डिजिट्स को हम एक साथ ही रीड करेंगे तो 10000। इसी प्रकार जब मैं और कोई नंबर लेता हूं, अब देखिए वंस, ये हमारा वंस है, ये हमारा टेंस है, ये हमारा हंड्रेड है, ये हमारा थाउजेंड है, और ये हमारा 10000 है। तो 10000 आ गया, तो ये पूरा पीरियड जो है थाउजेंड और 10000 का, इसको हम एक साथ रीड करेंगे। तो 37 लिखा हुआ है, तो 37406, क्योंकि टेंस की जगह पे कुछ नहीं है तो जीरो है तो उसको छोड़ देंगे, 6406, तो 37406। इस तरह से हम नंबर्स को रीड करेंगे। और जैसे फाइव डिजिट का नंबर हमारे पास ये लिखा हुआ है, ये सबसे बड़ा नंबर है, बिगेस्ट नंबर ऑफ द फाइव डिजिट।
अब अगर आपसे कोई पूछे कि सिक्स डिजिट का बिगेस्ट नंबर, तो उसमें 6 9 आ जाएंगे, 6 बार आप 9 9 रिपीट कर दीजिए। अगर पूछा जाए 6 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, तो एक तो 1 रहेगा, 1 के साथ 5 और जीरोज लगा दीजिए, 5 जीरोज, 1 0 0, इस प्रकार से। तो ये बन गया आपका 1 लाख, ये 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर तैयार हो जाता है। कहने का मीन्स 1 के साथ जीरोज लगाते रहते हैं तो वो स्मॉलेस्ट नंबर बनते हैं, कितने डिजिट का चाहिए वो उतनी ही, उससे एक कम जीरोज ऐड कर दीजिए उस 1 के साथ। तो इस प्रकार से नंबर फाइंड कर सकते हैं स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट। और बिगेस्ट जब फाइंड करना हो तो हमें 9 9 ही लिखना है, 3 डिजिट का तो 3 9, 4 डिजिट का करना है तो 4 9, 5 डिजिट का हमें बिगेस्ट नंबर फाइंड करना है तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, 5 9, और 6 डिजिट का हमें अगर बिगेस्ट नंबर फाइंड करना है तो 6 बार हम उसको 9 ऐड करेंगे। तो ये इस प्रकार से, अब इसको हम कैसे पढ़ेंगे, ये हमारा वंस, ये हमारा टेंस, ये हमारा 100, ये हमारा 1000 और ये हमारा 10,000। अब 10,000 आते ही मैंने बोला इन दोनों डिजिट्स को हम क्या पढ़ेंगे, एक साथ पढ़ेंगे, तो 99,999, इस तरह से हम लेटर्स को रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और भी जैसे हम अगर मानें कि 6 डिजिट्स के नंबर हम कैसे पढ़ेंगे, तो सेम तरीका ही रहेगा 6 डिजिट के लिए, लेकिन उसमें एक पीरियड और बढ़ जाएगा, वो क्या होगा वो देखिए। 6 डिजिट्स के नंबर्स को हम कैसे रीड करेंगे, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो 6 डिजिट का होगा वो 5 डिजिट वाले में 1 ऐड कर दीजिए, वो बन जाएगा 1 लाख। स्मॉलेस्ट नंबर तो मैंने बताया 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है, तो एक तो 1 आ गया हमारा, उसके बाद में 5 जीरो लगा दीजिए इसके आगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हमारा तैयार है। तो पहला कोमा इंडियन सिस्टम में कितने डिजिट के बाद लगता है, 3, तो 1 2 3, यहाँ पे दूसरा 2 2 के बाद लगेंगे तो 1 2 यहाँ पे। अब देखिए स्मॉलेस्ट नंबर और बिगेस्ट नंबर अगर मुझे 6 डिजिट का लिखना है, तो मैंने आपको बताया था कि बिगेस्ट नंबर में सारे 9 होते हैं, तो यहाँ पे 6 बार हमें क्या लिखना होगा, 9 9, ये होगा 6 टाइम्स। तो इसमें हम कोमा लगाएंगे तो पहला कोमा 3 डिजिट्स के बाद में, दूसरे 2 के बाद में, आगे भी 2 2 के बाद में ही लगेंगे अगर 7 डिजिट का 8 डिजिट का नंबर हमारे पास आता है तो। तो इस तरह से हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर ये तैयार हो गया। अब इसके पीरियड्स कैसे रहेंगे, ये तो वैसे ही रहेगा, वंस हमारा, ये हमारा टेंस रहेगा, ये हमारा 100, ये हमारा 1000 और ये हमारा 10,000 और ये जो बनेगा ये बनेगा हमारा लाख। अब एक पीरियड नया ऐड होगा 6 डिजिट्स के अंदर, लाख, तब लाख वाला आ रहा है तो हम यहीं से रीड करना शुरू करेंगे, क्या है 1 लाख, बाकी कुछ नहीं है, सब 0 0 है, तो ये क्या बन गया हमारा 1 लाख। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। फिर जैसे ही हम और कोई नंबर, जैसे हम नंबर लिखते हैं इस प्रकार से, तो ये क्या है, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, तो लाख बोला था इसको, तो ये क्या बन गया हमारा 3 लाख। अब इसको दोनों को एक साथ पढ़ा था, क्योंकि 10,000 है ना, दोनों को एक साथ ही रीड करना है, 68,000, 10 लाख, 3 लाख, 68 ऐसे लिखा जाता है, EIGHT, 68,000, 400, इस प्रकार से हम इसका नंबर नेम भी राइट कर सकते हैं। तो ये बन गया 3,68,400। इसी प्रकार से हम 6 डिजिट के नंबर्स में हम जब ये रीड करेंगे, ये मान 10,100,1000, 10,000 लाख, तो ये क्या हो गया 9,99,999। इस प्रकार से हम हमारे नंबर्स रीड कर सकते हैं। अब अबाकस सिस्टम पे हम नंबर कैसे शो करेंगे, अबाकस सिस्टम पे जो पहली डंडी होती है राइट हैंड साइड की तरफ, जो पहली एक स्टिक लगाई जाती है, उसके ऊपर बीड्स या ये कहीं गोले बनाए जाते हैं, वो जो होते हैं वो एक नंबर को शो करते हैं। तो ये अब देखो इसके ऊपर 4 बीड्स लगे हुए हैं, तो 1 2 3 4, वंस की जगह पे हमारा क्या रहेगा, वंस की जगह पे हमारा क्या रहेगा 4। अब 100 वाली जगह पे, सॉरी
टेंस वाली जगह पे कोई भी बीट्स नहीं है तो यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, जीरो। और हंड्रेड वाली पे दो है तो टू, और अगर थाउजेंड वाली पे थ्री डिजिट्स थ्री बीट्स हैं तो थ्री। इस तरह से हम अबाकस के ऊपर नंबर राइट कर सकते। तो ये क्या बन गया, 3,204, क्योंकि वंस टेंस 100,000 का था तो 3,204, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं था तो हम डायरेक्ट इस पे चले जाएंगे 204 पे। अब इसी प्रकार जैसे हमें कोई नंबर दे दिया जाए कि इसको आपको अबाकस बना के बीट्स के ऊपर शो करना है, तो अब देखिए सबसे पहले वंस, वंस पे कितना है सिक्स, तो हम यहाँ पे सिक्स बीट्स बनाएंगे, एक दो थ्री फोर फाइव सिक्स। फिर जीरो है तो टेंस पे हमारा जीरो रहेगा, फिर हंड्रेड है तो हंड्रेड पे हमारी कितनी बीट्स आएंगी, फोर, वन टू थ्री फोर। फिर उसके बाद में थाउजेंड पे आता है, थाउजेंड पे हमारी कितनी बीट्स हैं, टू, तो हमारी टू। उसके बाद में टेन थाउजेंड पे सिक्स, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। और लास्ट वाले पे, लाख वाले पे कितनी है, थ्री, तो थ्री। इस प्रकार से हम अबैकस से नंबर लिखना, नंबर से अबैकस पे बनाना, नंबर्स को रीड करना, ये सब सीख जाएंगे। और आपका 1.1 जो चैप्टर है वो इसी बेस पे है, तो आप अपना 1.1 चैप्टर कंप्लीट करिए, बुक्स ले आइए, अवेलेबल हैं शॉप के ऊपर। तो हम, अगर आपका 1.1 होता तो हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।